मा कश्चिद् दुःख भाग भवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे तुमसे विनती दोनों साथ रख प्राण रखे तुला लाज बिन प्राण बदलते देखा है उन लकीरों जो हाथ तेरे दर पे जुड़े संवरते देखा है उन तकदीरों को जो सर तेरे दर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
चलती है सांस, करुणा निधान साईं अंतर्यामी, तुम ही जगत पति जगत के साईं, तू चाहे तो कर दे पर्वत को राई, शरण में रख लो सभी को बाबा का आशीर्वाद पहुंचे।
मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को प्रणाम, नमस्कार, आलिंगन। श्री साईं अमृत कथा सेक्टर 40, साईं बाबा मंदिर, नोएडा। बड़ा पवित्र और चुंबकीय शक्ति वाला यह स्थल है, बहुत पवित्र अनुभूति यहां पर होती है जब भी यहां पर आते हैं। सन 2014 में भी श्री साईं अमृत कथा की एक आवृत्ति यहां पर हो चुकी है, और बाबा का संयोग देखिए कि सन 2014 में भी यही तारीखें 7, 8 और 9 सितंबर, और इस बार भी 7, 8, 9 और 10 सितंबर। दूसरी आवृत्ति में बाबा ने अपने पास आने का मौका दे दिया है। 3 दिन से 4 दिन की कथा बाबा ने यहां पर अपने श्री चरणों में आयोजित करवाई है। पहली दफे जब कथा हुई थी तो रोड के उस पार कम्युनिटी सेंटर में हुई थी। बाबा शायद दूरी की वजह से कथा सुन नहीं पा रहे थे, तो इस बार उनका आदेश हुआ कि सदगुरु साई के श्री चरणों में बैठ करके ही ये कथा उनके भक्तों को सुनाई जाए। अद्भुत फनकार है साई, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, यह हमारी साधारण बुद्धि की समझ की सीमाओं से परे है। श्री साईं सच्चरित्र, जो कि इस श्री साईं अमृत कथा का आधार है, इसमें बाबा की लीलाओं से विस्मित, अचंभित और कुछ हद तक दुखित होकर के भी श्यामा ने, जो कि बाबा के अनन्य भक्त थे, बाबा के बहुत करीबी थे, उन्होंने कहा था कि हे देवा, ये तुम क्या करते हो, पूरे झंझावत पहले खुद ही कड़े कर देते हो और बाद में सभी कुछ शांत भी कर देते हो। कमोबेश ये इसलिए था कि अगर सब कुछ शांत रहेगा तो हम भगवान का, ईश्वर का स्मरण सुमिरन कैसे करेंगे। कबीर ने यही भाव अपने एक दोहे में कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बड़ी सीधी सी बात है कि भगवान की, ईश्वर की, परवरदिगार की, द ऑलमाइटी गॉड, इन सभी की याद हमको तभी आती है जब चीजें हमारे मन माफिक नहीं चल रही होती। हम ये भूल जाते हैं कि ये चीजें मन माफिक इसलिए नहीं चल रही होती हैं कि उसमें ईश्वर का दोष नहीं है। जिन लोगों ने कल ये कथा सुनी थी, जिनको ये सौभाग्य मिला था कि हमारे साथ सब कुछ मनमाफिक क्यों नहीं होता, उसका जवाब कुछ कुछ कल की कथा में हमको मिला था। जो बोए बेल कबूल का, तो आम कहां से हो, बबूल के पेड़ में तो कांटे ही होते हैं। जैसे कर्म हम बोते हैं
बाबा ने बड़ी अद्भुत तरीके से कर्म की कीर्ति को समझाया है कि क्यों किसी के जीवन में दुख आता है। दुख बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये कि चीजें हमारे मन माफिक ना हो पाना, वो दुख हो जाता है। और जब चीजें मन माफिक नहीं होती हैं और दुख सहन नहीं होता तो वो दुख क्रोध में बदल जाता है। हम झल्लाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारी जुबान हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। इसके उलट जब चीजें मनमाफिक होती हैं तो हमारा लालच बढ़ने लगता है। एक से दो पाने की जगह हम एक और एक 11 पाने की इच्छा रखते हैं। सहज मनुष्य स्वभाव है, साधारण सी वृत्ति है कि अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहिए तो अच्छे ही अच्छे कर्म करिए। आज शुक्रवार का दिन है, हम में से बहुत लोग शुक्रवार को महालक्ष्मी माता का, लक्ष्मी माता का दिन मानते हैं। बहुत सारे लोग वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा भी पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, आरती करते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम लोग, हमारी संस्कृति में, दर्शन में एक त्योहार दिया गया है हमको, जिसको हम धनतेरस कहते हैं और उसकी परिणति जाके दीपावली में होती है। हम लोग धन की पूजा करते हैं लेकिन हमारे आचरण हमारे दर्शन के बिल्कुल विपरीत जाते हैं। धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी मां सती या दुर्गा, सभी महिलाएं हैं। और हम लोग अपने जीवन में सब कुछ महिलाओं से मांगते हैं। आते भी हम एक महिला की कोख से हैं। और हम में से जो माता और पिता के जरिए एक्स और वाई क्रोमोसोम के सम्मिश्रण से पुरुष बन जाते हैं, वो उनमें से अधिकांश महिलाओं को उपभोग की वस्तु चाहते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको कमजोर मानते हैं, उनको चाहते नहीं है, महिलाओं से चाहते हैं लेकिन महिलाओं को चाहते नहीं। अपने घर में अगर बच्ची अपनी पत्नी की कोख में भी अगर गलती से आ जाए तो सोनोग्राफी करा करके ये इनके प्रकारण उस बच्ची को इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। बेटा हो जाए तो पेड़े बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जिनके घर में कन्या का जन्म हो वो ये कभी कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर में सरस्वती आई है, मेरे घर में दुर्गा आई है। ऐसा मैंने बहुत कम लोगों को बोलते सुना है। जिनके घर में बच्ची आ भी जाती है तो उनके माथे पर चिंता की सलवटें बढ़ जाती हैं कि अरे तो इसको इस पे जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा, एक दिन ये छोड़ के चली जाएगी, ये भाव होता है हमारे मन में।
बच्चियां, बच्चे भगवान की देन होते हैं, उनका स्वरूप होते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो घर में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये पूरा का पूरा पुरुष की संरचना पे आधारित है, ना कि स्त्री की संरचना पे। और ये बात अधिकांश पुरुष जानते समझते नहीं है। कन्या के आने पर दोष अधिकांश मां को दिया जाता है, दुत्कारा जाता है। श्री साई सच्चरित्र में महिलाओं के गरिमा को लेकर के बाबा ने अद्भुत एक दृष्टांत दिया है। हम लोग कल की बात, कल की यात्रा जारी रखेंगे, लेकिन आज चूंकि बात बाबा ने यहां इस तरफ मोड़ दी है, तो हम जिस तरफ बाबा बहा करके ले जाएंगे उसी तरफ चलते हैं। बीजापुर से दो मुस्लिम महिलाएं बुरका नशीं, फर्दा नशीं, बाबा के दर्शन करने आईं। बाबा के पास दो पुरुष बैठे थे, नाना साहब चांदोरकर और एक अन्य भक्त जिसका नाम ज्ञात नहीं है, इसलिए शर्म के मारे, लज्जा के कारण वो दोनों महिलाएं द्वारका माई मस्जिद में सीढ़ियों से नीचे जो दालान बना हुआ है वहां बैठ गईं और इंतजार करने लगी कि ये दोनों पुरुष वहां से जाएं तो वो बाबा के दर्शन करें। उनके मनोभावों को पढ़कर के बाबा ने उनको अपने पास ऊपर बुला लिया। बाबा हर महिला को आई या माई कहकर ही पुकारते थे। वो दोनों महिलाएं ऊपर आई, बाबा के सामने बैठी। पहली महिला, उन्होंने अपना नकाब उठाया, उम्र उनकी ज्यादा थी, उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अपना नकाब नीचे किया। दूसरी महिला जो कि उम्र में कम थी, उसने नकाब हटाया, बहुत खूबसूरत थी। वहां नाना साहब चांदोरकर बैठे हुए थे, उनके मन में जैसे ही उस महिला ने नकाब हटाया, यकायक ये ख्याल आया कि काश मैं कुछ देर तक और इस सुंदरता के दर्शन कर सकूं। उस महिला ने अपना नकाब नीचे किया। नाना साहब चांदोरकर के मन में यह ख्याल आया था कि बाबा ने उनकी जांग पर एक थपकी मार दी, नाना साहब की तंद्रा भंग हो गई, जिस विचारों के दलदल में वो धस रहे थे, उस विचारों के दलदल से बाबा की एक थपकी ने उनको बाहर खींच लिया। दोनों महिलाएं चली गईं। बाबा ने नाना साहब से कहा, नाना तू क्या सोच रहा था, यहां बैठ करके भी तेरे मन को चैन नहीं है? नाना साहब शर्म के मारे अपना सिर नीचा किए बैठे रहे। बाबा ने कहा, नाना तूने उस सुंदरता की देवी के एक झलक देखी और तूरे तेरे मन में ख्याल आया कि काश मैं उसको कुछ देर और देख सकूं। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस ईश्वर की प्रति इतनी सुंदर है, वो ईश्वर स्वयं कितना सुंदर होगा? क्यों तेरे मन में ख्याल नहीं आया कि तू उस
ईश्वर के बार बार दर्शन करे, उसको अपनी आंखों में बसा ले। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक ऐसे ही गुरु को अपने आचरण के चलते न्यायपालिका द्वारा सजा मुकर्रर की गई। सदगुरु तो वो होता है जिसके शरण में आकर के इंसान को शांति मिले, उसके मन की मलिनता दूर हो जाए, उसके मन में आने वाले सारे कुविचार सुविचार में बदल जाए। साईं ने ऐसी अद्भुत अनेक सीख ली है। श्री दाबोलकर लिखते हैं इस सच्चरित्र में कि बाबा कांचन कीर्ति और कामिनी तीनों से बहुत दूर थे। हम बाबा के इन चरित्रगत विशेषताओं पर बाबा की मर्जी रही उतनी देर तक और जितनी उनकी मर्जी रही उतनी गहराई तक चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री साईं अमृत कथा में जो कुछ भी बोला जाता है वो उनके द्वारा बोला जाता है। मैं आप ही की तरह सुनता हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप वहां बैठ करके सुनते हैं और मैं यहां बैठ करके सुनता हूं। इसलिए जब उस तथाकथित गुरु को सजा हुई तो कहीं मन में यह भाव भी उठा कि क्यों ना उस लड़की जिसका शोषण उस तथाकथित गुरु ने किया था उसके मां बाप को भी सजा हो। क्यों माता पिता इतनी अंधश्रद्धा के साथ किसी भी ऐसे गुरु की शरण में चले जाते हैं जो उनको रंगीन सब्ज बाग दिखाता है और वो बहाव में बहते चले जाते हैं। ये लड़की जिसने इतनी हिम्मत दिखाई अपने साथ हुई ज्यादतियों को न्यायपालिका तक लेकर के आई, इतनी हिम्मत बहुत कम लड़कियों में होती है। ये बच्ची नजीर बननी चाहिए, एग्जाम्पल बननी चाहिए, उदाहरण बननी चाहिए उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने आप को बहुत कमजोर समझती हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप लोग कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने अंदर से एक नई जान को इस दुनिया में लेकर के आ रहे हैं, भली भांति ये जानते हुए कि उस प्रक्रिया के दौरान आपकी जान जा भी सकती है। कई हड्डियों के टूटने का दर्द एक साथ आप महसूस करती हैं जब वो बच्चा वो बच्ची इस दुनिया में आता है आती है। हम लोगों की तो एक हड्डी जरा सी उसमें अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर भी आ जाए या स्ट्रेन हो जाए तो भी हम लोग तो चिल्लाते फिरते हैं। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने अंदर से एक और प्राण इस दुनिया में लेकर के आते हैं, आप तो पूजनीय हैं। और ये बात हमारे जो पहले वाले लोग हैं उनको पता था कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से सुपीरियर होती हैं, उनसे श्रेष्ठ होती हैं, इसीलिए उन्होंने पुरुषों की बराबरी का दर्जा ना देकर के महिलाओं को हमेशा दमित किया, शोषित किया, और या तो उन्हें एकदम ऊंचे पायदान पर बैठा दिया कि ये तो देवी है। और वो तथाकथित महिला मोर्चा की जो संयोजक होती हैं, जो हमेशा इस बात की एडवोकेसी करती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, उन सभी माताओं और बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी मांग करके अपने आप को नीचा ना करें, क्योंकि आप पुरुषों के बराबर आकर के अपने आप को नीचा ही रखेंगी। आप पुरुषों से बहुत बहुत ऊपर और बहुत आगे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। यहां तक कि
हम लोग जब परेशानी में होते हैं तो अपनी माँ से सलाह मांगते हैं, अपनी पत्नी से सलाह मांगते हैं, अपनी बहन से सलाह मांगते हैं, अपनी बेटी से सलाह मांगते हैं। मेंटली भी आप लोग मानसिक रूप से भी बहुत दृढ़ होती हैं, और इसीलिए बाबा के देखरेख का, बाबा के भोजन का व्यवस्था, उनकी व्यवस्था हमेशा महिलाओं ने संभाली, बाईजा माई जिनको बाबा अपनी बहन मानते थे, पूर्व जन्म की मां कहते थे, लक्ष्मीबाई शिंदे जिनको बाबा ने आखिर में 9 सिक्के देकर के गुरुता के 9 प्रतीक उनको दिए, राधा कृष्ण माई जो साईं बाबा संस्थान आप देख रहे हैं उसकी विस्तृत व्यवस्था, उसकी शुरुआत राधा कृष्ण माई ने की थी। जो संस्थान आज आप इतना बड़ा देख रहे हैं उसकी छोटी सी शुरुआत राधा कृष्ण माई ने अपनी सोच समझ से की थी। हमेशा महिलाओं का बहुत बहुत आदर बाबा ने किया, और उनके सच्चरित्र को पढ़ करके यही समझ में आता है कि महिलाएं बहुत सशक्त होती हैं और उनका आदर सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। नजर बदलेंगे तो नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा। हम कल बात कर रहे थे कि भक्ति मार्ग क्यों, कर्म मार्ग, योग मार्ग या ज्ञान मार्ग से अधिक श्रेष्ठ होता है। हमने कल योग मार्ग की बात की थी कि जो व्यक्ति योग के रास्ते में भोग करने लगता है वो रोगी बन जाता है। कल हमने कर्म मार्ग की बात की थी कि कर्म मार्ग में बहुत विषमताएं हैं। हम लोग कर्म के फल से अपने आप को दूर नहीं रख सकते, उसकी इच्छा से अपने आप को दूर नहीं रख सकते, इसलिए कर्म मार्ग से भी भगवान को पाना बहुत दुष्कर होता है। कर्म की कल हमने और चर्चा की थी, भीमा जी पाटिल का जिक्र किया था जिनका तपेदिक बाबा ने सपनों में उनके कर्मों को काट करके ठीक कर दिया था, और उन्होंने साईं सत्यव्रत पूजा जाकर के अपने घर में प्रारंभ की। हमने डॉक्टर पिल्लई के नासूर की बात की थी। तो बाबा के पास हर किसी का खाता है, बाबा के दरबार में जो भी आता है वो अपने कर्मों को लेकर के आता है। आप कभी बाबा से ये मत कहिए कि बाबा मेरे दुख दूर कर दे। बाबा से अगर आप ये कहेंगे कि बाबा मुझे तो इन दुखों को सहन करने की शक्ति दे तो मैं तेरा ऋणी रहूं। आप हमेशा अच्छे काम हो जाने पर यह ना कहें कि ये साईं कृपा थी। कभी जब आपके मन माफिक परिणाम आपको ना मिले तो भी आप ये कहिए कि ये साईं कृपा न थी, ये साईं इच्छा थी और इसी में मैं खुश हूं। क्योंकि कर्मों को आपको भोगना होगा, और बहुत साधारण भाषा में यदि आपको समझाऊं तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म जो कि अभी हुए नहीं है, संचित कर्म जो कि हो चुके हैं लेकिन अभी उनके फल पके नहीं हैं, और प्रारब्ध जो कि कर्म पक गए हैं और उनका उनके फल का निर्धारण हो चुका है। बहुत सीधा सा आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 3 प्रकार के कर्म क्या होते हैं। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए एक धनुर्धर की, एक आर्चर की,
जिसके हाथ में धनुष है और उसकी तुनीर में बाण रखे हुए हैं। वो जो तुनीर में बाण रखे हुए हैं वो है क्रियमाण कर्म, वो अभी चले नहीं, वो चलने की तैयारी नहीं। और जब तक कि कर्म नहीं हुआ है, कर्म आपका गुलाम है, और जब कर्म हो गया तो आप कर्म के गुलाम हो जाएंगे। दूसरा संचित कर्म, वो बाण जो प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ है लेकिन चला नहीं है, वो कहां जाकर के लगेगा हम में से किसी को नहीं पता। और प्रारब्ध वो कर्म, वो बाण चलने को है, किसी कारण से आपका ध्यान भंग हो गया और वो बाण जाकर के किसी चिड़िया को लगने की जगह पे, किसी फल को लगने की जगह पे, किसी इंसान को लग गया। आपकी मंशा नहीं थी किसी को मारने की, लेकिन आपके प्रारब्ध में था कि आपके हाथ से किसी की अकाल मृत्यु होगी। हो सकता है ये किसी पुराने कर्म का आपने प्रतिफल लिया हो, आपको प्रतिफल मिला हो, किसी को आपने परेशान करने के लिए फंसाया हो तो आपको परेशान करने के लिए कर्म हो गया। कर्म करिए जहां तक हो सके बहुत अच्छे कर्म, क्योंकि मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, साई की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो, साई की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी, अंतर्यामी ऊपर बैठा, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगा, मेरे साई के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साई के दरबार में सब लोगों का खाता। साई के बड़ी बड़ी मर्यादा हो, बड़े बड़े कानून साई के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिली लफाई ज्यादा हो, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले लफाई ज्यादा, इसीलिए वो दुनिया का,
भाभी हो, मेरे साईं की लेन देन की रेत पड़ी है भाभी। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। करले बंदे करम करियो काला, उजली करले करले बंदे करम करियो काला। आपको आजकल आप मॉल्स में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, आपको वहां पे एक साइन बोर्ड पढ़ने को मिलता होगा कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, आप कैमरे की निगरानी में। तो हम लोग बड़े शराफत से पेश आते हैं जहां कैमरे की जद, उसका स्कोप जहां तक जाता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसका कैमरा जो है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और उसका कैमरा जो है उससे कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकता। उसके कैमरे से आपकी सारी हरकतें छूट नहीं सकती, क्योंकि हिज कैमरा इज ऑल परवेसिव, 360 डिग्रीज कैमरा है उसका, और 360 डिग्रीज नहीं है बल्कि दसों दिशाओं में उसका कैमरा घूमता है। उजली करनी करने बंदे करम करियो काला, उजली करनी करने बंदे करम करियो काला, से देख रहा है तुझे देखने वाला हो, आँख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता याद रखिएगा कि उसका सीसीटीवी कैमरा न कभी स्विच ऑफ होगा, न किसी रसूखदार के दबाव में आकर के उसकी रिकॉर्डिंग कभी डिलीट कर दी जाएगी। तो जो बोओगे वो काटोगे। कर्म के मार्ग में ये दिक्कतें आती हैं। ज्ञान मार्ग एक तीसरा मार्ग है भगवान को पाने का। एक अद्भुत किस्सा आता है, नाना साहब चांदोरकर बाबा की पैरों की सेवा कर रहे थे और एक संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बुदबुदा रहे थे। त्वद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानस्तत्व दर्शन। बाबा ने उनसे पूछा, नाना तुम क्या बोल रहे हो? नाना ने कहा,
बाबा की जात मुझे पता नहीं है, मुसलमान से फकीर हैं, कपड़े ऐसे ही पहनते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह वली, अल्लाह भला करेगा, ऐसा बोलते हैं। ये संस्कृत का श्लोक है, मैं इनको क्या समझाऊंगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाबा ने फिर उनसे पूछा, नाना तुम क्या बुदबुदा रहे थे? श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 श्लोक 34 है ये। त्वद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानस्तत्व दर्शनम्। नाना ने दोहरा दिया। बाबा ने उनसे पूछा कि नाना तुम इसका अर्थ जानते हो? नाना ने कहा, बाबा बड़ा सीधा सा अर्थ है, संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत मुझे आती है। अपने ज्ञान का अभिमान दर्शा रहा था। तो नाना ने अर्थ बताना शुरू किया, किसमें महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि जब भी तुम दुविधा की स्थिति में हो और तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, तुम तो आके उनके चरण पकड़। नाना ने अर्थ गलत नहीं बताया, बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये केवल शब्दार्थ था, लिटरल मीनिंग। इसका भाव अर्थ, भावार्थ, भाव का अर्थ वो उन्हें नहीं पता था। बाबा ने उनसे कहा, तुम इसको सुनना चाहते हो? नाना असमंजस में। बाबा ने कहा, जब भी तुम्हारे सामने प्रकल्प विकल्प आए, तुम ऐसे ज्ञानी पुरुषों की संगत करो, उनके चरणों में जाओ, उनका आश्रय लो और उनकी शरणागत हो जाओ, अपने आप को उनको समर्पित कर दो। बहुत देर तक इस पर नाना अपना संदेह बाबा से व्यक्त करते रहे और बाबा ने एक एक शब्द को तोड़ करके उसका अर्थ समझाया। उसका संक्षेप में अर्थ आपके ये मैं बताता हूं कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। जब भी कोई इस दुनिया में आता है, ज्ञान का प्रकाश पुंज लेकर के आता है। लेकिन जब कोई मशीनरी हम लोग बहुत वक्त तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर धूल चढ़ना शुरू हो जाती है, उसको ल्यूब्रिकेशन नहीं मिलता तो वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज करके चलने लगती है। कभी आपने स्कूटर बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना की हो और उसको चलाएंगे तो एक किक में स्टार्ट नहीं होगी कभी भी। गाड़ी भी अगर बहुत महीनों से खड़ी हो और सेल्फ मारेंगे तो बैटरी सेल्फ नहीं लेगी। आप अगर एक्सरसाइज बहुत दिनों तक नहीं करेंगे और जब अचानक करने लगेंगे तो आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखेंगे, क्योंकि आपकी मसल्स को रिलैक्स्ड स्टेट में रहने की आदत हो गई है, उनको टेंशन लेने की आदत नहीं है। तो ज्ञान हम सब लेकर के आते हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर के जब हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं तो वो उसके ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष जिनको हम कहते हैं, जिनको हम सद्गुरु कहते हैं, वो हमको ज्ञान नहीं देते, हमारे अज्ञान पे से पड़ा हुआ वो अ का आवरण हटा देते हैं, जिसके अंदर से हमारा ज्ञान दैदीप्यमान होकर के चमकने लगता है। अब ज्ञान है क्या? अगर हम इसकी मोटी मोटी व्याख्या करें, हम ये कहें कि हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तो ये ज्ञान जो है वो इस समस्त सृष्टि यानी जितना भी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान को हम
ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। इस दुनिया में हमारे दर्शन के मुताबिक 84 लाख योनियों में एक आत्मा जन्म लेती है, यानी 84 लाख जीव तो ऑलरेडी हैं ही। न जाने कितनी प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, कितने ग्रह हैं, कितने सौर मंडल हैं, उन सभी का ज्ञान वो संपूर्ण ज्ञान है। और एक आम व्यक्ति, अभी एक साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ रहा था कि मनुष्य अपने जीवन काल में अपने ब्रेन का, अपनी टोटल कैपेसिटी का शायद 3-5% ही इस्तेमाल करता है, और बाकी पूरा जो है वो उसका अनयूज्ड रहता है। दिस इज ग्रॉस अंडर यूटिलाइजेशन। तो हमारे पास ज्ञान होता है लेकिन हम उस ज्ञान को जागृत नहीं कर पाते, इसलिए ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति कठिन होती है। हम लोग दुनियादारी में लगे रहते हैं, हमारे पास उस ज्ञान को जागृत करने का न समय होता है, न हमारी इच्छा होती है, न हमारा ध्यान बन पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धा हमारे यहां अक्सर मिश्रित हो जाती है। श्रद्धा में लालच का फुट जुड़ जाता है। अगर हमारे मन में लालच ना हो तो हम यहां आके माथा भी ना टेके, ये बात मैं आपको सच कह रहा हूं। जितना है उतना पाने की, उसको बनाए रखने की, उससे ज्यादा पाने की जो लालच होती है वो हमको खींच करके प्रकाश पुंज तक लाती है, शक्ति तक लाती है। यही अज्ञान है।